आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय एवरीवन, यहां पर जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो क्या है कि रेट ऑफ अ रिएक्शन आर इज प्लॉटेड अगेंस्ट टेम्परेचर। ठीक है, तो आर वर्सेस टी का जो है ग्राफ बनाया जा रहा है। ठीक है, आर जो है रेट है फॉर एन एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, किसके लिए हम बना रहे हैं, एन एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन के लिए हम बना रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, कौन सा जो है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन दर्शाता है। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, इनमें से हमको बताना है। ठीक, तो आपका जो मतलब जो भी एंजाइम होती है उन एंजाइम का जो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जो कि 35 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर जो है आर वर्सेस टी मतलब टेम्परेचर के साथ जो है ग्राफ जो है प्लॉट करें तो हमारा क्या आ जाएगा, ये इधर पर इस तरीके से आएगा। तो एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज 35 डिग्री सेल्सियस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं द स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ सबस्ट्रेट एंड एंजाइम मॉलिक्यूल्स ऑल्सो कंटिन्यू टू इंक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे हम जो है यहाँ पर आपका जो है टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो ये जो है ये आपकी स्पीड जो है ये बढ़ेगी। ठीक है, और जो है बट अबव सर्टेन टेम्परेचर। ठीक है, और कुछ टेम्परेचर के बाद। ठीक है, अगर मान लो यहाँ तक जो है मैंने ये देखा और इस टेम्परेचर के बाद, ठीक है, ये जो आपका पॉइंट आया है तो अबव दिस टेम्परेचर द एंजाइम द कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसको जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। तो एंजाइम गेट्स डी नेचर्ड, और डी नेचर्ड में जो है स्पीड जो है ये आपकी आपकी स्लो होने लगती है। ठीक है, सो ये यहाँ पर जो है आपका जो है एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन का जो है ग्राफ इस तरीके से आएगा। शुरू में क्या होता है बिफोर दी ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, सो क्या होता है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मूवमेंट ऑफ द सबस्ट्रेट एंड एंजाइम मॉलिक्यूल जो है वो कंटिन्यू इंक्रीज करता है और एक कुछ टेम्परेचर पर जो है वो आपका यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, हाईएस्ट पीक पर, फिर उसके बाद जो है आफ्टर दिस टेम्परेचर मतलब 35 डिग्री सेल्सियस के बाद जो है एंजाइम जो है डीनेचर्ड हो जाती है। ठीक है, आफ्टर 35 डिग्री सेल्सियस मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम gets denatured। ठीक है, तो इसलिए ये जो ग्राफ है ये इस तरीके से आएगा। और ऐसा ग्राफ जो हमको कहाँ गिवन है, हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसा ही है, कुछ टाइम के मतलब कुछ टेम्परेचर के बाद जो है ये आपका ये एक ग्राफ जो है इसकी स्पीड जो है धीमी होने लगी। तो फॉर एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन अप टू ऑप्टिमम टेम्परेचर रेट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। ठीक है, ये आपका फॉलो कर रहा है ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।